सितारगंज में केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन की मौत हो गई है। वहीं कैदी के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कारागार एम्बुलेंस से लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। वहीं साथ ही सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि देर शाम लगभग 7 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज से सूचना प्राप्त हुई कि केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्लापुरा रामपुरा थाना कोतवाली रुद्रपुर सितारगंज केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिनकी अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। कल शाम को जो है जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज के माध्यम से पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो सजायाप्त कैदी हैं चंद्रमोहन शर्मा, इनकी मृत्यु होना बताया गया। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में मेरे द्वारा आज ये पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई, और पंचनामा भरने के उपरांत पुलिस और जो जेल के कर्मचारी हैं उनको शव विच्छेदन हेतु बॉडी उपलब्ध करा दी गई है। ये रहने वाले एड्रेस चेंज हो गया जहाँ पर पहुँचे, फिलहाल ये उम्र कैद काट रहे तीन सौ दो। शाम को 7 बजे फोन किया था सर, बोले इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है और हॉस्पिटल लाने से पहले ही एक समझ। कल रात 7:30 सेंट्रल जेल सितारगंज से एक कैदी बुलाया गया था, जो मृत अवस्था में हमारे पास आया गया, जिसका नाम चंद्रमोहन, उसके पिता का नाम राधेश्याम, ये सेंट्रल जेल सितारगंज से लाया गया था। वहाँ ये सेक्टर का भी गिरा तो उसको यहाँ लाया गया, तो हमारे साथ बुलाया तो ये मृत अवस्था में ही था, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और आज पोस्टमार्टम के लिए बॉडी।